एकदम सॉफ्ट, फूले फूले भटूरे और इनके अंदर पनीर की स्टफिंग, वाह, सभी को बहुत पसंद आएंगे। नमस्कार, मैं हूँ निशा मुद्रिका। आज हम बनाएंगे पनीर स्टफ्ड भटूरे। बहुत ही टेस्टी भटूरे हैं, आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पनीर स्टफ्ड भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार करेंगे। हमने प्याले में 2 कप मैदा ले ली है। इसके बीच में हम थोड़ी सी इस तरीके से जगह बना देंगे और ये है 1/4 कप दही, 1 छोटी चम्मच चीनी, 1/2 छोटी चम्मच नमक और ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच तेल डाल देंगे। हमने 2 टेबलस्पून तेल लिया है लेकिन अभी हम 1 टेबलस्पून तेल डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून तेल बाद में यूज करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से यहीं पर मिला लेंगे और अब हम गुनगुने पानी की सहायता से एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे। यह हमने एकदम सॉफ्ट डो बनाया है। अब जो तेल हमने बचा के रखा था उसमें से थोड़ा सा तेल हम हाथ में डालेंगे और डो को अच्छा सा मसल मसल कर और सॉफ्ट बनाएंगे। ये डो हमने एकदम अच्छा स्मूथ बना लिया, सॉफ्ट डो लगाया है और इतना डो लगाने में हमने 1/2 कप पानी का यूज किया है। इसे हम ढक कर 2 घंटे के लिए रख देंगे, हमारा डो फूल कर तैयार हो जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा आटा भी फूल कर तैयार हो गया है। सबसे पहले हम आटे को थोड़ा सा पंच करेंगे। हाथ में सूखा आटा ले लेंगे और इसे एक बार इस तरीके से करके हल्का सा मसल लेंगे। एकदम सॉफ्ट आटा है। अब इससे हम लोइयां बनाएंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इस आटे को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1/2 भाग को हम फिर से 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। और इनकी हम लोइयां बना लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा आटे को ऐसे करके गोल लोइयां तैयार कर लेते हैं। दूसरा जो 1/2 आटा है उसे भी बिल्कुल इसी तरीके से 3 भागों में डिवाइड करके गोल कर लेंगे। ये हमने 6 लोइयां बनाकर तैयार कर ली। इन्हें हम ढक देते हैं ताकि ये सूखे ना। और इधर हम भटूरे तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। पनीर भटूरे बनाने के लिए हमें बनानी है पनीर की स्टफिंग। ये 150 ग्राम पनीर है, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें थोड़े से मसाले मिलाएंगे। 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच ददरी कुटी ताजी काली मिर्च और 1/2 छोटी चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1-2 टेबलस्पून हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल चुकी हैं, स्टफिंग तैयार हो गई। तो अब भटूरे बेलकर तैयार करते हैं। तो 1 लोई उठा लेते हैं हम, बाकी हम ढक देंगे और इसको हम थोड़ा सूखे आटे में लपेट लेंगे। इसके बाद हम इसे 3-4 इंच के व्यास में बेलेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। चारों तरफ से इसे उठाकर स्टफिंग को बंद करेंगे, अच्छे तरीके से बंद कर देंगे और उंगलियों से दबा देंगे ताकि स्टफिंग चारों ओर अच्छे तरीके से फैल जाए। और सूखे आटे में लपेटेंगे, थोड़ा उंगलियों से और दबा देते हैं और अब इसे हल्के हाथ से बेलेंगे। बेलते समय ध्यान रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है और थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। भटूरे अपनी पसंद से आप ओवल में बेल सकते हैं या गोल बेल सकते हैं। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा एयर इनके अंदर आ रही है तो इस तरीके से हाथ से इसको दबा सकते हैं।
ये हमने बेल लिया, अच्छा मोटा रखा है हमने, एकदम पतला नहीं किया इसे, इसके अंदर स्टफिंग है, पतला करने पर ये फट जाएगा। तो सेकने के लिए अब तेल को चेक करना बहुत ज़रूरी है, हमें भटूरे तलने के लिए एकदम ज़्यादा गर्म तेल चाहिए। तेल को चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल ज़रा सा डो हम तेल में डाल के देख लेते हैं, डो तैर कर ऊपर जल्दी से आ गया है, तेल अच्छा गर्म है, तो हम भटूरे तल सकते हैं। फ्लेम भी हम एकदम तेज़ रखेंगे। भटूरे तलने के लिए तेल में डालते हैं और जैसे ही भटूरा ऊपर आने लगेगा हम इसको थोड़ा सा कलछी से दबाकर फुलाएंगे। अब इसे पलट देंगे, हम देख रहे हैं ऊपर भी बबल आने लगे हैं और भटूरे को दूसरी ओर से भी हल्का सा ब्राउन होने तक तलेंगे। भटूरा दूसरी ओर से भी अच्छा ब्राउन हो गया है, ये सीख चुका है। निकाल लेते हैं इसे, कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और ये हो गया भटूरा तैयार। और सारे भटूरे हमें इसी तरीके से बनाकर तलकर तैयार करने हैं। भटूरा पूरी तरीके से फूल जाए उसको पलटने के बाद फ्लेम को कम कर लीजिए और इसे क्रिस्प कर लीजिए। ये भटूरे हमने तलकर तैयार कर लिए, पनीर भटूरे सर्व करने के लिए तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इन्हें आप छोले के साथ में, चटनी अचार के साथ में सर्व कर सकते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इन्हें बनाना भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इन्हें बेलेंगे तो बहुत हल्के दबाव देते हुए बेलना है, सेकते समय ध्यान रखना है तेल अच्छा ज़्यादा गर्म हो। तलने के लिए डालें, जैसे ही भटूरा फूले फ्लेम को कम कर दें और भटूरे को थोड़ा सा क्रिस्प कर लें। आप बहुत अच्छे पनीर भटूरे बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।